हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द यूनिक प्लांट्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट लेकर आई हूँ जिसका नाम है चाइनीज वेलवेट। ये काफ़ी टाइम से मेरे पास है, तो इसको मैंने नर्सरी से बाय किया था। और इसमें इस तरह से वेरिगेशन होती है और इस पे छोटे छोटे से मतलब कि थोड़े बड़े होते हैं, जैसे पिटोनिया के फूल होते हैं बिल्कुल वैसे ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्मॉल साइज होता है और थोड़े वेलवेटी टच होते हैं, इसीलिए शायद इसे चाइनीज वेलवेट प्लांट बोला जाता है। और मैं श्योर नहीं हूँ कि इसका रियल नेम है या क्या, क्योंकि मैंने तब स्कैन किया था तो मुझे ये मिला था इसका नाम। और इसकी जो कंडीशन है, ये पहले तो एक हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ है, तो मेरे पास घर में ये एक पॉट में था, उसके बाद शायद मदर ने नहीं इसमें इसको मैंने ही लगाया था, इसकी मैंने कटिंग लगाई थी। मेन प्लांट जो था, जो मदर प्लांट था, इसका एक पॉट में लगा हुआ था, काफ़ी बड़ा पॉट था, जैसे 10 इंच का शायद होगा, और उसमें इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई थी। और मैंने इसको बिल्कुल शेड में रखा था, धूप उस पे, तो इस पॉट में मैंने ही इसकी कटिंग लगाई हुई थी। तो बड़े पॉट से मैंने इसकी कुछ कटिंग जो है एक हैंगिंग में लगाई थी इसी में, और इसको मैंने हैंग किया था। जब लगाई थी उसके काफ़ी टाइम बाद मैंने नोटिस किया था कि कटिंग नहीं लग रही है, छोटी ही है बट वैसे ग्रो हो गई थी। लेकिन अभी ये मदर के पास आ गया था प्लांट और लकीली बच गया, नहीं तो ये पूरा का पूरा जो मेन पॉट में था वो ख़त्म ही था। और ये जो है मदर ने रखा हुआ है फुल सनलाइट में, तो अभी जिस दिन मैं आई और कुछ दिनों बाद, तो मुझसे इसकी कटिंग किसी ने मांगी थी, और जब मैंने इसको ध्यान से देखा, इसमें से कटिंग निकाली, तो मैंने नोटिस किया कि इसकी जो ग्रोथ है अच्छी नहीं है, हो रही है लेकिन ग्रोथ अच्छी नहीं है, पत्ते जो है इसके मुड़े हुए हैं, और जो प्लांट है अच्छी कंडीशन में नहीं था जैसे इसको होना चाहिए था। फिर मैंने क्या किया, इसको शेड में रख दिया। काफ़ी दिन हो गए हैं, अभी शायद एक हफ्ता या उससे ज़्यादा ही हो गए हैं। तो अभी देखिए, जैसे ही मैंने इसको शेड में रखा और इस पर फ्लारिंग भी स्टार्ट हो गई है, अच्छी ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे मोस्टली जितने भी ये वेरीगेटेड हैं सब पे जो बर्ड्स हैं वो बननी स्टार्ट हो गई है। ये चीज़ भी मैंने अभी देखी है, क्योंकि मैंने इसको बस शेड में रख दिया था, और शेड में रखने से इसकी ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छी हो गई है। और इसकी जो कटिंग है, मैंने भी अपने लिए जो शिलोंग लेके जानी है वो मैंने दो कटिंग लगाई थी, तो एक ही साथ सारी कटिंग लगाई थी, तो आज मैं उनको चेक करूँगी कि वो ग्रो हुई है या नहीं। तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉट है मेरे पास जिसमें मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, तो देखिए इसमें भी इसकी बर्ड्स बनी हुई हैं, शायद ये पहले की ही होंगी, तो रूट भी इसमें बन गई है। तो बहुत ही इजीली ये प्लांट ग्रो हो जाता है, और रूट इसमें बनी हुई है तो शायद एक से ज़्यादा ही होंगी या एक ही है। अभी मैं इसको ऐसे ही लगा देती हूँ, तो मुझे लगता है ये जो फूल हैं ये पहले के ही होंगे, तो निकले अभी हैं बाहर। तो यहाँ पे भी इसकी दो रूट बनी हुई हैं, तो बहुत ही जल्दी से ये ग्रो हो जाता है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं इसके फूल। और जो इसकी ग्रो करने का जो तरीका है, जैसे इसको मैंने हैंगिंग में लगाया था, तो ये जो प्लांट है ये हैंग ही करता है नीचे को, तो इसी के बेसिस पे मैंने इसको लगाया था। अगर इसको हम फुल सनलाइट में रख देते हैं तो इसके पत्तों की जो साइज़ है काफ़ी छोटी हो जाती है, और जो ये स्टेम्स हैं ये भी खाली खाली सी लगती हैं। अभी ये देखिए, ये सारी इसकी नई ग्रोथ है, और ये जो प्लांट है इसमें कुछ खास डाला नहीं गया, तो नॉर्मल सी मिट्टी है जो उस टाइम की है, तो मदर ने उसके बाद इसमें कुछ नहीं किया है, यहाँ तक कि इसकी जो गुड़ाई होती है वो भी नहीं की है। तो इसको हम सेमी शेड या फिर पूरी शेड में रख सकते हैं, उसमें भी इसमें अच्छे फूल आ जाते हैं, तो वेरिगेशन भी इसमें होती है अच्छे से, और इसमें बीच बीच में इस तरह से जो प्लेन ग्रीन होता है ना वो भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसके जो एक्चुअल में पत्तों का साइज़ होता है उससे ये काफ़ी छोटा है, तो शायद हो सकता है कि ये पॉट छोटा है, मिट्टी कम है, इसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर इसको फुल सनलाइट में रखा हुआ है उसकी वजह से भी हो सकता है। अभी जैसे ही मैंने इसकी लोकेशन चेंज की है, जगह चेंज किया, तो उससे इसको काफ़ी फ़र्क पड़ा है, और पहले से ये काफ़ी हेल्दी हो गया है।
तो मैं सोच रही हूँ कि इसको किसी और पॉट में शिफ्ट कर दूँ, रिपॉटिंग कर दूँ एक बार अच्छे से, इसमें गोबर खाद वगैरह डाल के। तो अभी मुझे ये अच्छे से याद नहीं है कि ये समर में विंटर में कैसे होता है, लेकिन ये समर में बहुत अच्छे फूल देता है। जैसे अभी विंटर्स आने वाली हैं या आ रही हैं, लेकिन फिर भी ये फूल दे रहा है, तो शायद फूलों का साइज छोटा होगा या कैसे। अभी मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि जो एक सीज़न ये मेरे पास रहा था तो तब गर्मियाँ थी और इस पर काफ़ी सारे फूल आए थे। उसके बाद फिर इसमें जब नेक्स्ट सीज़न आया, मतलब कि जब विंटर्स आई, तब थोड़ी स्लो ग्रोथ हो गई थी, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ था जहाँ तक मुझे लग रहा है। जैसे थोड़ा डॉर्मेंसी में प्लांट जाता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पत्ते रह गए थे तो शायद फूल कम हो गए थे। तो अभी मैं इसको किसी दूसरे पॉट में शिफ्ट करूँगी, तो इससे इसकी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी और भी। और इसकी जो ग्रोथ होती है ना, काफ़ी मतलब कि हैवी ग्रोथ होती है, थोड़े कम टाइम में ये काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छी लगे तो लाइक करना, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।